इमीग्रेशन न्यूजीलैंड भारत तो न्यूजीलैंड पढ़ने वाले विद्यार्थियों को वीजा देने में कतरा रही है। इमीग्रेशन ने कहा है कि इंडिया कॉम्प्लेक्स मार्केट बन गया। वीजे वास्ते लगन वाले फाइनेंशियल कागजा की असलियत परखन वास्ते इमीग्रेशन में दो चार होना पै रहा। इंडिया कॉम्प्लेक्स मार्केट INZ कहता है क्योंकि विद्यार्थी वीजा यानी स्टूडेंट वीजा घटता जा रहा है। इमीग्रेशन अधिकारी भारत नूं इक गुंझलदार बाजार दे रूप दे विच बयान ते करदे ने, नाले कहंदे ने कि इहदे करके सानूं बहुत सारा जोखिम भी उठाना पै सकदा है। पर नवे आंकड़े कहंदे ने कि इस साल भारतीय विद्यार्थियों लई वीजा प्रवानगी दी दर दे विच भी कमी आई है। जून 2024 दे 6 महीनियां च न्यूजीलैंड च PTE विच पढ़न लई अप्लाई करन वाले भारतीयों चों सिर्फ 27.3% ही वीजा प्राप्त कर सके, जो कि चोटी दे 15 विदेशी बाजारां चों सब तो माड़ा, यानी कि बाकी दे बाजारां च आराम दे नाल वीजा लग रहा है। लेकिन जे किते तुसी पढ़न दे लई आ रहे हो न्यूजीलैंड दे विच, तां तुहाडा वीजा डिनाई भी हो सकता है। स्टूडेंट वीजे PTE दे विच भारी गिरावट इसका बहुत वड्डा प्रमाण है। 100 अर्जियां दे विच महज 27 अजिहे ने जिन्हां नूं वीजा मिल रहा है। सो यह कहा जा रहा है कि भारतीय विद्यार्थियों ने पिछले साल नालों माड़ा प्रदर्शन किया से, अते कई बार ही अपने डॉक्यूमेंट्स भी सही नहीं दे पाते ते गैर वित्तीय बैंकिंग कारपोरेशन तो फंड आते ने, जो कि तुसी प्रूव भी नहीं कर सकते। सो अजिहे कुछ कारना करके भारतीय स्टूडेंट्स नूं वीजा डिनायल का सामना करना पै रहा है।